कंकाल प्रणाली यानी स्केलेटल सिस्टम। हमारी कंकाल प्रणाली हड्डियों, उपास्थि और अस्थिबंध की बनी होती है। ये एक सीमा है जिस पर सभी अंग व्यवस्थित होते हैं। हड्डियां आकार में लंबी, छोटी, सपाट या अनियमित हो सकती है। अब हमारे शरीर में मौजूद विभिन्न हड्डियों के बारे में जानते हैं। लंबी हड्डी, जांघ की हड्डी लंबी हड्डी का एक उदाहरण है। छोटी हड्डियां, कलाई और टखने की हड्डियां। सपाट हड्डियां, जिसमें कंधे की हड्डी और खोपड़ी होती हैं। हमारे शरीर में भी कुछ अनियमित हड्डियां हैं। उदाहरण के लिए कशेरुकाएं। हमारी कंकाल प्रणाली बड़े पैमाने पर निम्नलिखित की बनी होती हैं। खोपड़ी, छाती के छेद, भुजा की गोल हड्डी, अंतःसमीखिला, जांघ की हड्डी। मानव कंकाल प्रणाली को दो श्रेणियों में बांटा गया है। पहला अक्षीय कंकाल और दूसरा उपांत्रीय कंकाल। अब अक्षीय कंकाल के बारे में जानते हैं। ये शरीर के ऊपरी दाएं अक्ष है। अक्षीय कंकाल में खोपड़ी, कशेरुका स्तंभ और छाती के घेरे होते हैं। खोपड़ी, खोपड़ी में 22 हड्डियां शामिल होती हैं। 22 में 8 मस्तिष्क की हड्डियां हैं और बचे हुए 14 चेहरे की हड्डियां हैं। खोपड़ी देखने, सुनने, सूंघने और चखने में अंग का समर्थन करता है। खोपड़ी को मस्तिष्क की हड्डियों और चेहरे की हड्डियों में बांटा गया है। कपाल 8 हड्डियों द्वारा ढके होते हैं। सभी सपाट हड्डियां होती हैं। ये स्थावर जोड़ों के साथ जुड़े हुए होते हैं। ये मस्तिष्क की सुरक्षा करते हैं। एक बड़ा छिद्र खोपड़ी के आधार पर पाया जाता है। इस छिद्र के माध्यम से मस्तिष्क के पश्च कपाल अंतस्था रीढ़ की हड्डी के रूप में नीचे उतरता है। छाती के छिद्र में 3 अलग अलग प्रकार की हड्डियां शामिल है। सामने की हड्डी को उरोस्थी नाम दिया गया है। ईट के भाग में एक लंबा कशेरुका स्तंभ होता है। दोनों हड्डियां पार्श्व की तरफ पसलियों से जुड़ी हुई होती हैं। पसलियों का घेरा, पसलियों के 12 जोड़े होते हैं। ये छाती में कशेरुकाओं को स्पष्ट करते हैं। सामने में 10 जोड़े उरोस्थी के साथ जुड़े होते हैं। अन्य 2 जोड़े उरोस्थी के साथ नहीं जुड़े होते हैं। इन्हें अस्थायी पसलियां कहा जाता है। सामने में 10 जोड़े उरोस्थी के साथ जुड़े होते हैं। इन 10 पसलियों में पहले 7 सीधे उरोस्थी के साथ जुड़े होते हैं। इन्हें वास्तविक पसलियां कहा जाता है। अन्य 3 जोड़े अप्रत्यक्ष रूप से उरोस्थी के साथ जुड़े होते हैं। इन्हें अवास्तविक पसलियां कहा जाता है। कशेरुका स्तंभ या कशेरुकाएं। कशेरुकाएं कशेरुका स्तंभ या पीठ की हड्डी पर इस आकार बनाती हैं। वास्तव में पीठ की हड्डी में 33 कशेरुकाएं शामिल है। इन्हें 5 क्षेत्रों में बांटा जाता है।
7 हड्डियों के साथ गर्दन की कशेरुकाएं, 12 हड्डियों के साथ छाती की कशेरुकाएं, 5 हड्डियों के साथ कमर की कशेरुकाएं, 5 हड्डियों के साथ त्रिक की कशेरुकाएं, 4 हड्डियों के साथ अनुत्रिक कशेरुकाएं। लेकिन त्रिक की 5 हड्डियां एक हड्डी से एक साथ जुड़ी हुई होती हैं, और अनुत्रिक की 4 हड्डियां एक और हड्डी से एक साथ जुड़ी हुई होती हैं। इसलिए पीठ की हड्डी में कुल 26 कशेरुकाएं हैं। उपांत्रिक कंकाल, ये हमारी उपांत्रिक कंकाल है। उपांत्रिक कंकाल छाती के कवच और ऊपरी अंग में शामिल है, जिसे हाथ कहा जाता है। श्रोणिक और निचले अंग, जिसे पैर कहा जाता है। ऊपरी अंग या हाथ, हाथ छाती के कवच से जुड़े होते हैं। छाती के कवच कंधे की हड्डियों और कंठस्थि की एक जोड़ी है। ऊपरी बांह में प्रगंडिका नाम की एक लंबी हड्डी है। ऊपरी बांह के अंत में 2 हाथ की हड्डियां होती हैं, जिसके नाम कुहनी की हड्डी और अर्धव्यास है। बांह में 8 पंजे शामिल होते हैं, जो 2 पंक्तियों में व्यवस्थित होते हैं। हाथ की रूपरेखा 5 कर्भिका स्थिक से बनी है। प्रत्येक हाथ में 5 उंगली होती हैं, जिसमें 1 अंगूठी और 4 उंगलियां शामिल हैं। प्रत्येक उंगली में छोटी बड़ी हड्डियां होती हैं, जिसे उंगली की पोर कहते हैं। अंगूठे में 2 उंगली की पोर है और प्रत्येक उंगली में 3 उंगली की पोर है। श्रोणिक और पैर, श्रोणिक कमर के क्षेत्र के हड्डियों की एक अंगूठी है, जो रेखास्थि और युग्मित हड्डियों के बने होते हैं, जिसे कक्षांग या कमर की हड्डी कहते हैं। प्रत्येक कक्षांग 3 हड्डियों के संयोजन द्वारा बनती है, अर्थात श्रोण्यस्थि, अस्नास्थि और जघनास्थि। जांघ क्षेत्र में सबसे लंबी हड्डी शामिल होती है, जिसे जांदा की हड्डी कहते हैं। जांदा की हड्डी का निचले अंग के साथ संबंध है, जो अंदर जांघ और बाहर जांघ है। घुटने क्षेत्र में घुटने की चक्की नामक एक बड़ी समतल हड्डी होती है। टखने में 7 टखने की हड्डियां शामिल है। टखने की हड्डी में अंतर जांग और बहिर जांग होते हैं। पैर प्रपद्य और उंगली की पोर से बना है। ये हाथ के कर्भिका स्थिक और उंगली की पोर के अनुरूप है। हड्डियों के कार्य, हड्डियां मांसपेशियों के बंधन के लिए क्षेत्र के रूप में रहती हैं। ये हमारे शरीर के वजन को पकड़ने में मदद करती हैं। ये भीतरी अंगों को सुरक्षा देती हैं। ये प्रणाली गति के लिए उपयोगी है। हड्डियां कैल्शियम और वसा के लिए एक जलाशय के रूप में रहती हैं। अस्थि मज्जा लाल रक्त कणों के उत्पादन के लिए निर्माण स्थान है। मानव शरीर में हड्डियों की संख्या, मानव शरीर में 206 हड्डियां हैं, जिसमें 80 अक्षीय कंकाल में है और 126 उपांत्रिक कंकाल में है। अक्षीय कंकाल की हड्डियों के बीच 28 हड्डियां खोपड़ी में है।
26 हड्डियां कशेरुका स्तंभ में हैं। पच्चीस हड्डियां छाती के घेरे में हैं और बाकी एक कष्ठी का हड्डी के रूप में होती हैं।